हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम ये पुली और आरपीएम की जो कैलकुलेशंस होती है वो करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्या फार्मूले लगाते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारा चीज़ें, कि जो मोटर के स्प्रिंडल है और मोटर के स्प्रिंडल में और जो मशीन के स्प्रिंडल्स या पंप्स हैं उसमें हमें जो आरपीएम्स लगाने हैं, कितने आरपीएम चाहिए या फिर क्या पुली का डाया होना चाहिए मोटर की पुली का या स्प्रिंडल की पुली का, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, समझेंगे, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह को इनके फार्मूलोज को सॉल्व करके डाया और आरपीएम्स को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर आती रहती है, तो उसको भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते समझते हैं जो इसके फार्मूलेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर नीचे एक मोटर है, वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक मोटर है और यहाँ पर ये एक पुली है, नीचे मोटर में भी हमने एक पुली लगाई हुई है और यहाँ पर एक ये जो हमने ऊपर भी एक बड़े साइज़ की पुली लगाई हुई है और यहाँ पर देखिए स्प्रिंडल हमारा स्प्रिंडल जो कि उस पुली के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कई सारी पुलीस और जो बेल्ट्स वगैरह हमने लगाई हैं, मोटर से पावर हमारी जो है वो वहाँ मोटर से मिलती है, उसके बाद हम उस पावर को यहाँ स्प्रिंडल तक लेके आए हैं इन पुलीस और बेल्ट की हेल्प से। किस तरह से हमने इनकी पावर जो नीचे से मोटर से जो आरपीएम निकले हैं उनको कम और ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए जो फार्मूलेस होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आज आपको अपनी इस वीडियो में। देखिए एक बार मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, देखेंगे आप जैसे कि देखिए चलाइए मैंने, देखिए नीचे मोटर के आरपीएम और ऊपर जो हमारा स्प्रिंडल है उसके आरपीएम में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मोटर के स्प्रिंडल जो हमारा वो कम है, मोटर के आरपीएम ज़्यादा है। तो ये हमने कैसे किया, किस साइज़ की पुली को लगा के हमने ये कैलकुलेशंस की, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपनी इस वीडियो में अब हम आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं फार्मूलेस की तरफ, किस तरह से हम ये फार्मूलेस को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं फार्मूला ऑफ पुली डाया एंड आरपीएम, जो पुली या हमारे स्प्रिंडल पे जो आरपीएम होते हैं उनके उसका डाया और उसके आरपीएम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ, जैसे कि ये आप एक फिगर में देख रहे हैं, जो यहाँ से आप ये देख रहे हैं ये है मोटर की ड्राइवर पुली और दूसरी साइड देख रहे हैं आप पंप या स्प्रिंडल पे लगने वाली ड्रिवन पुली, ड्राइवर जो चलाता है, चलने वाला ड्रिवन जो चलने वाला है, तो इस तरह की ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली होती है। इसके बाद फॉर्मूला हम बात करते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूला ऑफ पुली डाया एंड आरपीएम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्प्रिंडल और पंप पुली साइज कैलकुलेशन जो है उसका फार्मूला है हमारा स्प्रिंट्स का, मतलब देखिए स्प्रिंडल और पंप पुली, स्प्रिंडल या फिर पंप की जो पुली होती है उसकी साइज़ का जो कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डाया अपॉन पंप स्प्रिंडल आरपीएम, पंप या स्प्रिंडल के जो आरपीएम होते हैं उनको। तो हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि जो स्प्रिंडल या पंप जो पुली है हमारी, पंप या स्प्रिंडल पर जो पुली लगने वाली है उसका साइज़ क्या होगा। नेक्स्ट फार्मूला है जो हम समझने वाले हैं, स्प्रिंडल और पंप के आरपीएम। स्प्रिंडल जो हमारा स्प्रिंडल या जो पंप है उसमें हमें कितने आरपीएम, अगर हमने कुछ भी साइज़ की हमें पता पुली लगा ली तो उसमें कितना आरपीएम निकल के आएगा, तो उसके लिए जो फार्मूला है मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डाया अपॉन पंप स्प्रिंडल या फिर पंप या स्प्रिंडल पुली डाया, तो इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं स्प्रिंडल और पंप के आरपीएम। नेक्स्ट है हमारा मोटर पुली साइज, मोटर पुली साइज में क्या होगा, पंप स्प्रिंडल आरपीएम इनटू पंप पुली डाया अपॉन मोटर आरपीएम, तो इस फार्मूले की हेल्प से आप मोटर पुली का जो मोटर पर जो पुली लगने वाली है, जो ड्राइवर पुली बताया था मैंने वो पुली लगने वाली है, उसका भी साइज आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले के हेल्प से दोनों स्प्रिंडल या पंप की पुली का साइज निकालना है, मोटर की पुली का साइज निकालना है, या स्प्रिंडल और पंप का जो आरपीएम है वो निकालना है, तो इन तीनों फार्मूलों के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक फार्मूले को इजली सोल्व करके देखते हैं कि किस तरह से ये सोल्व होते हैं। सबसे पहले हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं, पंप स्प्रिंडल पुली डाया है, तो उस वो अगर हमें निकालना है तो कैसे, सपोज दैट हमारे पास एक मोटर है जिसका आरपीएम, जैसे आप देखेंगे मोटर के पीछे उसके आरपीएम लिखे होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसमें आरपीएम लिखे होते हैं। मैं एक ऐसे ही रफली एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके समझाने के लिए, तो आप वो सेम जितना भी साइज है वो साइज़ लेके आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो मोटर आरपीएम हो गया हमारा 1500 आरपीएम और जो हमारा मोटर पुली डाया, मोटर पर जो पुली डाया लगाया है वो हमने 3 इंच का लगाया है, उसके बाद
स्प्रिंडल और जो पंप या स्प्रिंडल है जो पंप में हमें जो आरपीएम देने हैं वो हमें चाहिए उससे 900 आरपीएम चाहिए। तो हमें स्प्रिंडल पर जो पुली लगानी होगी वो किस साइज़ की लगानी होती है, इसका जो फार्मूला है मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डाई अपॉन पंप स्प्रिंडल आरपीएम। जैसे कि साहब इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये समझ लीजिए आपकी हमारा ये मोटर की जाए, ये जो मोटर है हमारी मोटर पे ये पुली लगी हुई 3 इंच की। अब ये पुली हमें साइज निकालना है, ये यहाँ पर जो स्पीड आनी चाहिए वो 900 आनी चाहिए। ये हमारी पंप या स्प्रिंडल से कनेक्ट है और ये मोटर से कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितनी स्पीड आनी चाहिए। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से ये मोटर की है और ये पंप या स्प्रिंडल की है, तो ये हमें इसकी कितनी पुली डाया लगाना चाहिए कि ये हमारे 900 आरपीएम निकल के आए। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं वही कैलकुलेशन, 1500 इंटू 3 अपॉन 900। जब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ। उसके बाद जब हम इसको भी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 5 इंच की पुली निकल के आएगी। इसका मतलब जो हमारी ये जो पुली है वो 5 इंच की पुली है, ये जो हमने लगाई हुई है यहाँ पर 5 इंच की पुली लगाएंगे तो हमारे ये जो आरपीएम है ये 900 आरपीएम निकल के आएंगे स्प्रिंडल या पंप। तो इस तरह से आप पंप स्प्रिंडल की पुली का जो डाया है वो निकाल सकते हैं। अब समझते हैं हम एक और नेक्स्ट फार्मूले की तरफ कि जो हमें पंप स्प्रिंडल के जो आरपीएम है वो निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे। तो मोटर के जो आरपीएम है वो 1500 है, मोटर पुली डाया 3 इंच है। अब हमें निकालना है ये स्प्रिंडल और जो ये स्प्रिंडल और पंप का जो पुली डाया है वो 5 इंच है। अब हमें इसके आरपीएम निकालना है कि आरपीएम कितने, इतना अगर हम ये साइज़ की पुली लगाएं तो इसके आरपीएम कितने होंगे। सेम वही फार्मूला मैंने बताया था, दूसरे नंबर का जो फार्मूला वो लगाएंगे और कुछ इस तरह से। तो हमें अब इसकी आरपीएम निकालनी है, ये कितने आरपीएम से घूम रही है। हमने अगर ये यहाँ पर ये 3 इंच की पुली लगाई है और यहाँ पर ये 5 इंच की पुली लगाई है तो ये कितने आरपीएम देगी। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं पूरा कैलकुलेशन को, जब सॉल्व करेंगे तो पंप के आरपीएम आप देखेंगे निकल के आएंगे हमारे 900 आरपीएम। 900 आरपीएम यानी एक मिनट में 900 चक्कर लगाएगा, ये 900 आरपीएम हमारे निकल के आएंगे। इसी तरह से सेम नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मोटर पुली साइज, मोटर की पुली। अब जैसे कि मैंने दोनों फार्मूले बता दिए, पंप का भी बता दिया और आरपीएम का। अब हम मोटर पे किस साइज़ की, अगर हमारे मोटर पे पुली का साइज़ नहीं पता तो कैसे लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए स्प्रिंडल पंप पुली के आरपीएम कितने हैं, स्प्रिंडल या पंप पर जो पुली लगी हुई है वो कितने साइज़ की है और मोटर के आरपीएम कितने हैं। तो इसके हेल्प से तीसरा फार्मूला था हमारा वो हम लगाएंगे और उसको सेम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देख सकते हैं आप। अब हमें ये पुली जो देख रहे हैं, ये पुली, इस पुली का साइज़ निकालना है। हमें आरपीएम पता है, मोटर के आरपीएम पता है और ये इस पुली का डाया पता है। तो इसके बाद इसकी हेल्प से हम इस पुली का साइज़ निकाल सकते हैं। तो सेम कैलकुलेट करेंगे आप, सेम ये साइज़ को पुट करेंगे सारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हम इस तरह से सॉल्व होके कुछ इस तरह से निकल के आएगा और जो हमारी मोटर की पुली साइज़ निकल के आएगा वो 3 इंच निकल के आएगा। सेम देखिए मैंने एक ही साइज़ लिए हैं और एक ही साइज़ से तीनों ही कैलकुलेशन करके दिखाई हैं, जिससे कि आपको बेटर अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आई होप दोस्तों आपकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये जो मोटर पुली डाया आरपीएम की कैलकुलेशन बताई है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों को ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।